my feet, put it on toes, take it with me, double your dose. नमस्ते होम्स, आज हम खड़े हैं देवेंद्र नगर रायपुर के 4BHK लग्जरियस बंगलों के सामने। सामने में आपको 60 फीट का वाइड रोड मिलता है और पार्किंग देख सकते हैं, पूरे बाहर आते तक आपका टाइल्स वर्क हुआ है। मकान का एलिवेशन देख के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं, यार भाई आपको कैमरा होल्ड करने नहीं आता, कैमरा से रिकॉर्ड करने नहीं आता, भाई आपसे लाख गुना बेहतर करता हूँ। और ये आपका पर्सनल गार्डन एरिया है, जिसको ग्रीन एरिया भी बोलते हैं, काफ़ी सुंदर है। कुर्सी पलट गई है, इसको पलटो कोई यार, ठीक से रखो। और वीडियो अच्छा लगे तो यार कमेंट कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, बताओ कैसा बना है वीडियो, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को ताकि नए अपडेट्स आते रहें आपको फ़ोन पे। पॉलिश डोर मिलता है आपको सामने में और जाली वाला गेट भी मिलता है। और जैसे ही एंटर करते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं घर का डिज़ाइन, देखिए आप, ये है काफ़ी शानदार लाउंज, वॉलपेपर लगा हुआ है और काफ़ी स्पेसियस है। और साथ में देखिए लाइट भी आ रही है, नेचुरल लाइट है ये। और जब इतना बड़ा वेंटिलेशन का व्यवस्था हो तो भैया मज़ा ही आ जाता है। और ये आप देख सकते हैं सेपरेट कैसा हुआ है डाइनिंग एरिया से लाउंज जो है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं अपन देखते हैं कि लाउंज से निकलने के बाद फर्स्ट बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ हमको दिखता है, जिसको ऑफिस बनाया गया है। अभी ऑफिस के जैसा ही यूज़ किया जा रहा है, यूज़ में लाया जा रहा है। और यहाँ से जैसे ही यहाँ जाते हैं तो यहाँ आपको वॉशरूम मिल जाता है वार्डरोब के साथ में, और डाइनिंग एरिया देखिए काफ़ी स्पेसियस डाइनिंग एरिया है। साथ में इंटीरियर देखिए आप, फॉल सीलिंग हुआ है बेहतरीन। और ऐसा दिखता है कुछ बंगलो नीचे से, सोमानी का टाइल्स यूज किया गया है, मॉड्यूलर किचन है जिसमें हाइड्रोलिक्स लगी हुई है। और यहाँ से आप यूटिलिटी एरिया में एंटर करते हैं और यहाँ पे भी कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है, वैसे बाहर से लाइट आ रहा है। और ये है नीचे का सेकेंड बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ में, फॉल सीलिंग देखिए कितना बेहतरीन बनाया जाता है यहाँ पे। जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो जिनको भी घर बनवाना हो, मकान बनवाना हो, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और स्टेयर्स देख सकते हैं आप, ग्रेनाइट का स्टेयर्स है, टाटा का स्टील लगा हुआ है रेलिंग्स में, और कुछ ऐसा ही दिखता है मकान स्टेयर्स से। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं तो देखते हैं सामने एक बड़ा सा स्पेसियस
कॉमन एरिया आपको दिख जाता है, हर तरफ आपको लाइट मिल जाता है। और ऊपर आते ही आपको दिखता है लाउंज मिल जाता है आपको, नीचे और ऊपर दोनों तरफ। फॉल सीलिंग काफ़ी बेहतरीन है यहाँ का, और यहाँ से नज़ारा ही कुछ और दिखता है। ये आपका स्पेसियस बालकनी है, काफ़ी सुंदर है, आराम से चेयर डाल के आप यहाँ पे बैठ सकते हैं या अच्छे से सजा सकते हैं उसको जैसा आप करना चाहें। कुछ ऐसा दिखता है आपका सीटिंग एरिया जो है। ये थर्ड बेडरूम है अटैच वॉशरूम के साथ में। वॉलपेपर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और यहाँ से आपका जो मकान है इसमें सुंदरता इसी वजह से आ जाता है, आपका बालकनी जब वहाँ से लगा हुआ होता है। इस मकान के बारे में जितना बोल दो कम है, काफ़ी बेहतरीन वॉशरूम है। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, स्पेसियस है, गीजर लगा हुआ है। और ये फाइनली आपका फोर्थ बेडरूम है अटैच वॉशरूम के साथ में। तो चारों तरफ मकान नहीं है तो इस वजह से भी लाइट बहुत अच्छे से एंटर कर रहा है मकान में, और मकान काफ़ी स्पेसियस है, और फोर बेडरूम फाइव वॉशरूम के साथ में। और वीडियो कैसा लगा यार, कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं, और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Tell me pretty lies.